तू ही दिल तू ही जान, तू है मेरा पाकिस्तान, मेरी आन मेरी शान, तू है मेरा पाकिस्तान। नाम मोहम्मद यूसुफ है और मैं स्नूकर का प्लेयर हूँ। मैं 94 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीत चुका हूँ साउथ अफ्रीका में, और मैं 13 टाइम नेशनल चैम्पियन भी हूँ। एशियन चैम्पियनशिप कराची में हुई थी 1998 में, वो भी मैंने जीती थी। उसके बाद 2006 में फिर सीनियर वर्ल्ड हुआ था जो वेटरन्स का था, अबाउ 40 वाले खेले थे, वो भी मैं जीता था। तो ये है मेरी सारी कारकर्दगी। अब चूँकि मैं काफ़ी बूढ़ा हो चुका हूँ, तो खेलता तो हूँ लेकिन मेरी कोई वो नहीं है, स्नूकर एक्टिविटीज़ कम हैं। लेकिन यहाँ मैं इन्होंने जो OTC जो है 110 कम्युनिकेशन के जो मालिक हैं मुर्तुजा हुसैन, उन्होंने मुझे यहाँ जॉब दी है, मैं उनके पास काम करता हूँ। तो एशिया तो 1994 में तो एशिया तो खेलता ही था, मगर उसमें पूरा वर्ल्ड खेला था और तकरीबन कोई 88 प्लेयर्स थे उसमें पार्टिसिपेट उन्होंने किया था। हर कंट्री से दो दो प्लेयर थे, तीन तीन भी थे, तो इस हिसाब से देखा जाए तो 40 से ज़्यादा कंट्रीज जो है वो उसमें खेली थी। और वो साउथ अफ्रीका में हुआ था, जोहान्सबर्ग में वो टूर्नामेंट हुआ था 1994 नवंबर में। 13 नवंबर को स्टार्ट हुआ था और 26 नवंबर को फाइनल था, तो वो मैं जीता था, इसलिए वो यादगार है। बिल्कुल ही लो लेवल पे खेलने वाला प्लेयर जिसकी जॉब भी उस वक्त 2000 रुपए थी 94 में, तो वो एकदम से वर्ल्ड जीत जाता है तो उसकी खुशी की तो कोई इंतहा नहीं रहती है। हमारे टाइम में दरअसल बदकिस्मती से ये कोचिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि लाजमी बात है कि स्नूकर इतनी बड़ी लेवल पे नहीं था। मुश्किल से एक दो क्लब से पूरे कराची में मैं 13 साल तक ऑल पंजाब चैम्पियन कैरम में रहा। कैरम में भी मैं 13 साल तक चैम्पियन रहा पंजाब का, 12 साल तक। उसके बाद म्यूज़िक से मेरी दिलचस्पी बहुत हुई और अचानक मैंने कंपोज़र मैं बन गया और मैंने गाने बनाने शुरू कर दिए। सिंगर भी मैं फिर बन गया, लेकिन मैंने ये भी तो एक टैलेंट था। तो कुदरत इंसान के अंदर टैलेंट देती है।